नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं विरार के पाटिल कंपाउंड में। यहां अग्रसेना का मुख्यालय है। अग्रसेना के पदाधिकारी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल का ये अपना कंपाउंड है। आज यहां इन्होंने, कैलाश पाटिल ने, एक निर्धार भूमि पुत्राना रोजगार, एक बृहद रोजगार मेलावा यहाँ आयोजित किया है। इस रोजगार मेलावा में 30 से 32 कंपनी है, जिनमें 5000 कैंडिडेट को नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। कम से कम 7000 से लेके 25000 तक के इसमें अलग अलग पैकेज है, जिसकी जैसी शैक्षणिक योग्यता, जिसके जैसे कार्य योग्यता, उसके आधार पर यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ ये पाटिल कंपाउंड में अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है, और सामने की बिल्डिंग में जो रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर दूसरे माले पर प्लेसमेंट का ऑलरेडी इंटरव्यू चालू हो चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वैसे पालघर जिले के सांसद राजेंद्र गावित के हाथों हुआ। वो आके गए, कुछ मार्गदर्शन उन्होंने भी किया। कुल मिलाकर आज के समय में जहां हर कोई नौकरी से और काम धंधे से परेशान है, वहां इस तरह का एक उपक्रम करके लोगों को नौकरी के अवसर पैदा करके कहीं ना कहीं अग्रसेना एक काफ़ी अच्छा काम यहाँ कर रही है। उसके लिए अग्रसेना को जितनी बधाई दी जाए कम है, क्योंकि अगर आप किसी को दान, अन्न दान देते हैं, तो कोई एक दिन या दो दिन उससे खा पाएगा। रक्तदान देते हैं तो निश्चित ही जीवन रक्तदान से बचता है, लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरा परिवार कई सालों तक उस रोजगार के माध्यम से कई सालों तक अपने निर्वाहन कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा काम पालघर अग्रसेना की तरफ से किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। विरार से यूसुफ अली। देखिए, यहाँ पे अग्रसेना ने एक बहुत ही जो सुशिक्षित बेरोजगार यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के और आजू बाजू के परिसर में जो बेरोजगार है, उनको यहाँ पे नौकरी दिलाने का यहाँ पे एक संकल्प किया है। और यहाँ पे करीबन 35 के आसपास एचआरए जो है, अलग अलग कंपनी है, और 5000 नौकरी की सुविधा यहाँ पे मतलब उपलब्ध यहाँ पे अग्रसेना ने की है। और मुझे वो खुशी है कि ये मेरे मतदार संघ में इस तरह से अग्रसेना ने एक पवित्र काम, हमारे जो सुशिक्षित बेरोजगार जो है वो दिनों दिन एक अनिश्चित के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे जो मतलब अग्रसेना ने यहाँ पे सभी को 5000 लोगों को नौकरी देने का संकल्प किया है। ये बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मतलब संकल्प है, और इसीलिए मैं अग्रसेना को बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहता हूँ। सर, आपने अभी अपने स्पीच में एक लोगों से आह्वान किया है, युवा कैंडिडेट से, कि जो आज के समय में बेरोजगारी के चलते युवा ज़्यादातर आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उसमें क्या आह्वान करना चाहिए? देखो, मैं यहाँ पे जो सुशिक्षित अपना बेरोजगार जो युवक है, MPSC UPSC का रिजल्ट लगा है, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। इसलिए क्या है कि कई स्टूडेंट में एक असंतोष के तौर पर, एक आत्महत्या के तौर पर मतलब वो गुजर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ, आत्महत्या लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो आत्महत्या करता है वो जीवन में अनसक्सेसफुल के तौर पर मतलब माना जाता है। इसलिए आत्महत्या के बजाय जीवन में संघर्ष करना चाहिए, इस तरह से मैं सभी को ऐलान करना चाहता हूँ। आज आपने रोजगार मेला रखा है, क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए, कितनी कंपनियों में कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? 30 से 32 कंपनी है, सब मल्टीनेशनल है, उसमें बैंकिंग सेक्टर में है, पैकेजिंग सेक्टर में है, दस टाइप की कंपनी है, और सबका डिटेल आपको हमने भेजा ही है। तो इसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को रोजगार की अवेलेबिलिटी है। उनको हमारा उद्देश्य है कि कंपनी और ग्रास रूट पे लोग हैं, उनको एक साथ टाइप करके उनको रोजगार अवेलेबल करना विदाउट सिंगल पाई खर्चा करते हुए। पेंडेमिक में लोगों ने बहुत 2 साल बहुत बुरे तरीके से निकाले, इसलिए हमारी तरफ से, आगरी समाज की तरफ से एक छोटा सा तोहफा मेरे भूमि पुत्र के लिए। इसमें किन किन लोगों को चांस मिलेगा? क्या सिर्फ यहाँ के स्थानिक लोग रहेंगे? स्थानिक हम ऐसे समझते हैं जो यहाँ रहते हैं। राजस्थान वाला भी स्थानिक है ना, 10 साल 15 साल डोमिसाइल हो ही गया ना। गुजरात वाला है, बिहार वाला है, यूपी वाला है,
यहाँ रहने वाला है, आगर है, मिठागर था, आगरी मीन्स मिठागर में रहने वाले लोग, तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो भूमिपुत्र है हम समझते हैं। आगे भी इस तरह के कुछ उपक्रम आगे से ना करने वाले हम लोग आज वसी तालुका में, पालघर तालुका में करने का हम सोच रहे हैं। कैसा रिस्पांस है? पहला है, अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे। इसमें आज के समय में जब युवा बहुत ज़्यादा निराश होकर कुछ ऐसे कदम उठा देते जो नहीं उठाने चाहिए, तो उसके बारे में क्या आह्वान करना चाहते हैं? जो कदम उठाने के लिए अभी खासदार साहब भी बोले उसमें, और मैं क्या बोलूँ, मगर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से आप समृद्धि की तरफ जा सकते, संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आगरी सेना के माध्यम से ये बच्चों के लिए कोरोना के समय में जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे उनको नौकरी प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है, और सुबह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमको ये दिखाई पड़ता है कि कोरोना के टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं आगरी सेना का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और बड़ी संख्या में वसई, नालासोपारा और विरार के जो कैंडिडेट्स है जो जॉब्स के लिए आज उनको देखा, मतलब जॉब्स नहीं है, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सुबह से लगभग यहाँ पे मेरी ओर से जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें से लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है, और भी अभी तो 12 बजे का समय हो चुका है, और भी बड़ी संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट्स आने की संख्या है, दिखाई पड़ रहा है कि बहुत संख्या में कैंडिडेट्स आने वाले हैं और उनको जो है नौकरी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ऐसे इनिशिएटिव कोरोना के टाइम पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लेना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी सारे सभी लोगों को इस माध्यम से मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज नौकरी की बहुत जगह पे जो है कमी है, कैंडिडेट्स की संख्या बहुत है, लेकिन कैंडिडेट्स को सैचुरेट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ नौकरी प्रोवाइड करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और सारे लोगों को जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर नौकरियाँ मिले, यही हमारा यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।